हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं एकता स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल खाना ऑन डिमांड में। आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट टाइप की स्नैक रेसिपी शेयर कर रही हूं, जिसको आप आसानी से घर में बना सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी लेयर्स हैं, जो बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट जो तरीका मैं आपको बताऊँगी आज, वैसे बनाने से आप इजिली इसको बना सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब भी स्नैक लेने का टाइम आता है, हम डेली कुछ नया लेना पसंद करते हैं। वैसे तो मार्केट से भी मंगा सकते हैं, पर मार्केट का बना हुआ हमको नहीं पता वो किस तरीके से बनाते हैं, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का बना हुआ ही खाएं। घर में अपनी हेल्थ फैक्टर को कंसीडर करते हुए हम चीज़ों में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने जो रिफाइंड फ्लोर या मैदे की जगह पर व्हीट फ्लोर या गेहूं के आटे का यूज़ किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हेल्थ के लिए मैदा अच्छा नहीं होता है। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, आई एम श्योर यू विल लव इट। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। डो बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने ये आटा लिया है, ये ऑयल लिया है एंड ये कैरम सीड या अजवाइन है, सॉल्ट ये लिया है। इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये आटे को मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है, ये ऑयल, कैरम सीड, सॉल्ट। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तरीके से इसका डो बना लेंगे। डो शुड बी सॉफ्ट, ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से मैश करते हुए ये डो बन गया है। इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट होने के लिए। अभी स्टफिंग के लिए मैंने ये पटेटो लिए हैं बॉइल्ड, ये मटर है जिसको मैंने बॉईल कर लिया है एंड ये चॉप्ड गार्लिक, ग्रेटेड जिंजर एंड चॉप्ड ग्रीन चिली, कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, ये अनियन है जिसको मैंने चॉप कर लिया है, ये चाट मसाला, गरम मसाला, कोरिएंडर पाउडर एंड ये टर्मरिक पाउडर, हाफ लेमन लिया है जिसको मैंने स्क्वीज़ कर लिया है। सबसे पहले कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ मैं, क्योंकि हम स्टफिंग बना रहे हैं, और इसमें सबसे पहले मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको थोड़ा सा फ्राई करके निकाल लेंगे, इससे स्टफिंग का जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तरीके से, और यहाँ पर मैंने उसी ऑयल में थोड़े से मस्टर्ड सीड डाले हैं, ये क्यूमिन सीड। तरीके से थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे इसको, और जो भी चॉप्ड गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली था वो मैंने डाल दिया है यहाँ पर, इसको भी सॉटे करना है। तरीके से एंड यहाँ पर जो चॉप्ड अनियन रखा था वो डाल दूँगी, और इसको भूनना है, इसको भूनेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तरीके से भून लेंगे इसको। बन गया है, और अभी जो हमारे स्पाइसेस थे वो सारे डाल दूंगी, ये टर्मरिक, उसके बाद में जो भी मसाले थे सारे डाल दिए हैं। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग करिए जितना आपको पसंद हो। ये यहाँ पर मटर, इसको डाल दिया है, थोड़ा सा चला लेंगे इसको।
ये पटेटो जिनको मैंने मैश करके डाल दिया है। इस तरीके से चलाते रहेंगे इसको, सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मैंने यहाँ पर ये सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालिए क्योंकि जो हमने डो बनाया है उसमें भी सॉल्ट पड़ा हुआ था। एंड ये लेमन जूस डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और स्टफिंग को थोड़ा सा भूनना है जिससे कि अच्छा एक फ्लेवर आएगा। और जो भी ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो मैंने डाल दिए हैं। आप स्टफिंग में आप पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं और जिस चीज़ का भी आप यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे ये चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे इसको। स्टफिंग तैयार हो गई है, इसको अभी ठंडा होने के लिए अलग रख देंगे। और ये यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है और ये कॉर्नफ्लोर है, इससे हम इसका मिक्सचर बनाएंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तरीके से इस कंसिस्टेंसी में, इस तरीके से देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अभी जो हमने डो बना के रखा था उसको थोड़ा सा मैश कर लेंगे और छोटी छोटी ऐसे उसकी लोइयां बनाएंगे। इस तरीके से छोटी छोटी बॉल्स बनाना है और मैंने ये सारी बॉल्स बना ली हैं और अभी बनाते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है इसको और सूखा आटा थोड़ा डाल के जो लोई बनाई थी उनको हम बेलेंगे। इस तरीके से राउंड शेप में जैसे हम चपाती बनाते हैं उसी तरीके से। इस तरीके से सारी जो भी लोइयां हैं सबको इस तरीके से बेल लेंगे। मैंने बेल लिया है यहाँ पर इनको, देखिए आप। और अब चलते हैं, जो भी चपाती, एक चपाती को पहले डाल के इसके ऊपर ये जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको स्प्रेड करना है। जो कॉर्नफ्लोर से बनाया था इस मिक्सचर वही है ये। इस तरीके से इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से पूरी चपाती के ऊपर। और दूसरी चपाती इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर भी हमें ये मिक्सचर को स्प्रेड करना है इस तरीके से। ये प्रोसेस हमने जितनी भी चपाती बनाई है सबके साथ करना है इसी तरीके से स्प्रेड करते हुए। इससे हमारी जो लेयर्स है ना वो बहुत अच्छे से बन जाएंगी। ये सारी चपातियों को मैंने कर लिया है, अभी हमें इनको रोल करना है। इस तरीके से रोल करेंगे हल्के हाथ से, ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। इस तरीके से रोल कर लेंगे इसको। ये अभी मैं नाइफ से इसको कट करूँगी। तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये लोई आएगी। जब हम इसको बेलेंगे तो इसमें जो लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे से बन जाएंगी। ये सारी लोइयां मैंने बना ली हैं, अब इसको
एक एक लोई को लेके इसको दोबारा से बेलेंगे तरीके से। तरीके से हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे। इस तरीके से ये ज़्यादा ना मोटा होना चाहिए ना ज़्यादा पतला। इस तरीके से बेल गया है। अभी जो इसका एक्स्ट्रा एज है उसको मैं निकाल दूँगी। इस तरीके से तरीके से जो भी एक्स्ट्रा एज है निकाल लिया मैंने। ये स्टफिंग थी इसको मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया था। और इसके जो भी कॉर्नर पे थोड़ा सा ये वाटर लगा लिया मैंने। और अभी इसमें ये स्टफिंग डालेंगे तो अच्छे से फिल करना है इसको। तरीके से और इसके ये कॉर्नर को इस तरीके से लगा देंगे और अच्छे से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। सारे कॉर्नर को अच्छे से प्रेस कर देंगे। और ये लीजिए बन के तैयार हो गए। मैंने सारे जो भी थी को बना के तैयार कर लिया है। और अभी ये फ्राई होने के लिए डाल देंगे हम। इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है क्योंकि अगर तेज़ फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से जल जाएगा और उसमें क्रंचीनेस नहीं आएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसकी लेयर्स देख सकते हैं। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। आप बार बार इसको बनाएंगे आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप इसकी लेयर्स को बिल्कुल मार्केट जैसा दिख रहा है। और मार्केट का बना हुआ बहुत अनहेल्दी भी होता है। आप इसलिए घर पे ट्राई करिए एंड लीजिए। आपका गर्मा गर्म स्नैक तैयार है और आप इसको एंजॉय कीजिए चटनी एंड टमाटो केचप के साथ में। मुझे उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी